आप सब लोग, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज का हमारा ब्लॉग बनने भी वाला है या नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैंने ट्राईपॉड मंगाया था जो कि आ गया है, तो अभी उसको बुलाते हैं। क्या तो यहाँ पे हमारा आ चुका है, यहाँ पे कुछ कतरे वतरे नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे ये बॉक्स मेरे पास आया, यहाँ पे कुछ टेप नहीं लगी हुई थी गाइज। फ्लिपकार्ट वाले बहुत, मतलब बहुत एक गंदे हैं गाइज, पर टेप नहीं लगाया इन्होंने। नहीं गाइज ऐसा कुछ नहीं है, फ्लिपकार्ट वाले अच्छे टेप लगाया था, वो बस मेरे को सब्र नहीं हुआ इसलिए मैंने खोल दिया आपको दिखाने से पहले। तो पास आओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन, एड्रेस छुपा देता हूँ वरना आ जाओगे आप घर पर, ऐसे कौन नहीं देखते, देख लो एड्रेस। तो ये रहा हमारा ट्राईपॉड, इस बॉक्स को थोड़ा साइड में फेंकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो पास हो थोड़ा। तो ये है हमारा ट्राईपॉड, यहाँ पे सब इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखी है। क्या नाम था इसका, टाइगॉट फ्लेक्सिबल ट्राईपॉड मंगाया मैंने। तो इसका वेट चेक करता हूँ मैं, थोड़ा मैंने इधर देखा नहीं अंत, 400 ग्राम होगा, ठीक है चेक करना एक बार 400 ग्राम है। देगा मेरा टैलेंट, देगा 400 ग्राम मेरे को सब पता चलता है, आटा किंची देख के आया। तो यहाँ से ट्रैक मैंने उल्टा खुल दिया क्या, तो खोलते। तो जैसे आप देख सकते हो ये ट्राइपॉड है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ थोड़ा, मैं बहुत गंदगी मचा रहा हूँ यहाँ पे, बाद में सब बैग में भर के ले जाएंगे हम। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये ट्राईपॉड है, ये ऐसे खुल जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, सब ऐसे ऐसे हो जाता है, बहुत ऐसा फ्लेक्सिबल ट्राईपॉड है, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे आपको दिखाता हूँ, ये 360 रोटेटेबल बॉल है यहाँ पे, ऐसे करके ये हो गया, तो ये खोल दिया और ये ऐसा हो गया। इधर मैं फ़ोन लगा के व्लॉग वगैरह बना सकता हूँ, और ये खुल भी जाता है ऐसे करके, ऐसे घुमा के हम इसको खोल देंगे। तो यहाँ पे स्क्रू है जहाँ पर रिंग लाइट भी लग सकती है और गोप्रो को भी लग सकता है, फिलहाल तो हमारे पास है नहीं, वो जल्दी आ जाएगा। आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, फिर जल्दी आ जाएगा। तो अभी तो फ़ोन ही लगाने वाला है। और मैं बता रहा था आपको कि ये 360 रोटेटेबल भी है, ऐसे मतलब पूरा गोल घूम जाता है और ऐसे कर लेता है, और इसका स्टोरेज भी मतलब बहुत मस्त है, आप इसको ऐसे करके इसको बंद कर सकते हो, ये ऐसे फिट हो जाता है, स्टोरेज करने के लिए बहुत अच्छा है। इसका वेट ज़्यादा नहीं, 400 ग्राम है, थोड़ा सा हैवी लगता है हाथ को बीच बीच में, पहली बार आपको दर्द करेगा, पर जो भी ब्लॉगिंग मेरे भाई लोग सारे स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, मैं अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए मैंने लिया है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर भी ये भी खुलता है, इसके देख सकते, ये क्यों खुलता है मुझे पता नहीं, यहाँ पे फ़ोन आएगा हमारा, तो ये पता नहीं इस पर क्या लगा सकते, जब हम होंगे बड़े तब तो समझ जाएगा क्या लगाना है। तो अभी तो फ़िलहाल तो बस यही है, बाकी आपको समझ नहीं आ रहा क्या बताऊँ। और ये हाँ मल्टीपर्पज़ यूज़ है, पहले तो इसको ऐसे करके ब्लॉग बना सकते हैं, ये मेरे प्रोफाइल पिक्चर पर जाएगा, ठीक है। और ये देखो, ये आप थोड़ा सा इसको सीधा कर लो, और ऐसे भी लगा सकते हो, रिकॉर्ड करने को आपको दिखाऊंगा, उसमें से एक में बेल आ रहा है शायद से। तो और इसको आप ऐसे कर लो और ऐसे कर लो तो फ़ोन सीधा आएगा, मिनी व्लॉग बना सकते हैं, ठीक है, मिनी व्लॉग के लिए बेस्ट है। और हम अगर इसको ऐसे कर लें और ऐसे लगा लें तो ड्राइंग के लिए भी अच्छा है, मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसका, मैं तो कहूँगा रिकमेंडेड, ज़रूर बाय करना ये। तो ठीक है गाइस, तो गाइस ये जो आप फ्रेम देख रहे हो ये उसी की है, मतलब आप मेरे ट्राईपॉड की है, आपको इसका थोड़ा डंडा ऐसा फ्लेक्स करके दिखा, तो नहीं दिख रहा होगा आपको, छोड़ो। तो बल्कि आप देख सकते हो कितना स्टेबल है, और कैमरा साले फ्रेम में क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे सामने गाइस पूरा धूप की किरण है, इसलिए मेरे को रिकॉर्ड करने में आँखें बंद हो ही जा रही है। तो देख सकते हो आप मतलब कितना अच्छा व्लॉगिंग कर सकता हूँ मैं, तो जैसे आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो गाइस ये रही मेरी साइकिल, बस है ठीक है, मतलब क्या बताऊँ, तो अच्छी रिकॉर्डिंग भी हो जाती है
और यहाँ पे आपको मैं ट्राइपॉड सेटअप करके हम थोड़े से साइकिल के राउंड्स मारेंगे, वो देख लेना ट्राइपॉड कैसे काम करता है। सो गाइस अभी थोड़ी सी व्हीली प्रैक्टिस करूंगा मैं। तो गाइज आप देख सकते हो मून, ये थोड़ा रेनबो थोड़ा डार्क दिख रहा है, यहाँ पे मून देखो भाई, काश मेरे पास अभी S22 Ultra होता भाई, पूरा मून को जूम कर लेता। गाइज आज वैसे 27 अगस्त है तो सैटर्न दिखने वाला था ना आज, है ना, रिंग भी दिखने वाली थी उसकी, पर अभी तक मेरे को तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा, पूरे आसमान में कहीं पे भी नहीं है सैटर्न, पता नहीं भाई। तो अभी के जो हम अपने टाइम लैप्स में जो शूटिंग दिखी थी वो हम बैडमिंटन खेल रहे थे, फिलहाल अभी नाइट वाले ट्राइपॉड से शूटिंग चल रही है चालू, और वो भी ट्राइपॉड से ही थी। तो अभी का आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप सोच रहे होगे कि हमारे कैमरामैन का हम फेस रील कब करने वाले हैं, तो जैसे ही 300 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, पूरे 300, वैसे ही अगले दिन हम जो पीछे खड़ा है कैमरा के कैमरामैन का फेस रिवील कर देंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रिकॉर्ड कर रहे हैं पागल यार, ट्राइपॉड किस काम को।